रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। विधायक राकेश गिरी को प्राथमिक स्कूल की जर्जर स्थिति में बिल्डिंग विकास यात्रा में दिया आवेदन। नया भवन निर्माण की मांग, दिया लिखित आवेदन पत्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर हर ग्राम में पहुंचेगा पानी। वहीं ग्राम पंचायत बुरेरा में नल जल योजना का अधूरा डला कार्य, लगभग 3 करोड़ की योजना, चढ़ी ठेकेदार की भेंट। विकास यात्रा के दौरान क्षेत्र की जनता का विधायक गिरी को मिल रहा आशीर्वाद। ग्राम पंचायत बुरेरा के प्राथमिक स्कूल बरिया ढोंगा के स्कूल वेल्डन जर्जर स्थिति में, डर के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर, बारिश कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकती है स्कूली बिल्डिंग। विधायक राकेश गिरी ने विकास यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्र को दी कई सौगातें। वहीं शुक्रवार के दिन विकास यात्रा के 13वें दिन सूरा धर्मपुरा से शुरू होकर रामनगर, नन्ही टेहरी लक्ष्मणपुरा से होकर बुडेरा पहुंची विकास यात्रा। बुडेरा पूर्व सरपंच रामस्वरूप यादव द्वारा शॉल, स्लीपर व फूल मालाओं से विधायक राकेश गिरी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विधायक राकेश गिरी द्वारा सरस्वती माँ व कन्या पूजन कर शासन योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदनों को लिया गया और कहा कि आपके आवेदनों का 100% काम किया जाएगा। आपको बता दें, ग्राम पंचायत बुडेरा के वरियाढोंगा में प्राथमिक स्कूल की बिल्डिंग जर्जर स्थिति में, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। आपको बताएं, वही नल जल योजना में डल रही पाइपलाइन का अधूरा डलाकार पूरा करवाने को लेकर सभी ग्रामवासियों ने विधायक राकेश गिरी को दिया शिकायती पत्र। इस दौरान सभी ग्राम पंचायत में 2-2 करोड़ की लागत से नल जल योजना सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए उनकी मांग अनुसार जनता के लोकप्रिय विधायक राकेश गिरी द्वारा क्षेत्र की जनता को निम्न विकास कार्यों की सौगात, बांध सुजारा परियोजना, डूबे क्षेत्र में रह रहे पटखेड़ा गाँव के लिए पुल बनवाने की विधायक राकेश गिरी ने घोषणा की। इस अवसर पर SDM CP पटेल, नायब तहसीलदार पीयूष दीक्षित, जनपद उपाध्यक्ष ललित अहिरवार, जनपद सदस्य कमलेश लोधी, सरपंच ग्राम पंचायत बुडेरा सुनीता दिनेश यादव, सचिव गुलाब सिंह बुंदेला, रोजगार सहायक राजीव जैन, पूर्व सरपंच रामस्वरूप यादव, ऋषि तिवारी, गोविंद सोनी, हीरालाल सेन, हेमराज संतोष, जगन्नाथ लोधी, द्वारका यादव, इम्तियाज खान, मनोहर यादव, उत्कृष्ण कुमार देवलिया, गोटीराम और भाजपा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सहित ग्रामीण जन व प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गण मौजूद रहे। जगन न्यूज 24 टीकमगढ़ से कमल राजपूत की खास रिपोर्ट। जो आप विकास यात्रा लेके हर ग्राम पंचायत में चल रही है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हमारे प्रदेश के यशस्वी नायक शिवराज सिंह चौहान जी की मानता है, हम लोग जन जन तक पहुंचे। हमारी सरकार की जो विकास की योजना है, योजन कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ उनको लाभ मिल रहा है, उनसे उनका फील्ड बैक ले। इसलिए मुख्यमंत्री जन सेवा में राकेश राजू नमस्कार। जो विकास हमारी सरकार ने किए हैं, विकास करने जा रहे हैं, लोगों का इसके साथ जन से आप बंधु चढ़ा जनता ने जिस आशा और जिस विश्वास के साथ हमें जिताया था, तो हमारा प्रयास है उम्मीदों पे खड़े उतरे, उन आशाओं पे खड़े उतर दी, उनकी जनसेवा करें और जितने भी शासन की जनता विकास की योजना निरंतर उनको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे मजदूरी कार्ड हो, चाहे श्रम कार्ड हो, चाहे रामलाल अर्जुन कुमार योजना हितग्राहियों के आवेदन आदि उनके आदेश घर भेजने का काम हम निरंतर कर रहे हैं और जनता से बराबर संवाद की जनता के दिल में। साथ ही जितनी भी हमने यहाँ घोषणाएं पूर्व में की थी, वो सारा पैसा मैंने सरपंच के यहाँ के लिए पत्र लिख दिया है। कुछ पैसा आपके यहाँ आ भी चुका है, कुछ का काम भी हो चुका है और टेंशन का भी PWD से काम प्रारंभ होने वाला है मार्च मास तक। उसका आप जगह बता देना, वहाँ पे हम काम प्रारंभ कर देंगे। और भी इस बुरेरा गांव के लिए जो आवश्यकता होगी आप लोग बता देना। पटला खेरे को पुल चाहे हम कौन से बनवाए, अप्रैल में काम लगवाए उनको, ठीक है भाई जी? ठेकेदार नदी वो भग गो, अब PWD हमारे पास अप्रैल में पैसा आ जाए तो हम विधायक निधि से देखें पटला खेरे को पुल बनवाए, और नहीं बने तो अपनी जेब से बनवाए। नहीं नहीं, अपने लोग रहते हैं वहाँ यार, तो इनको दिल थोड़ी दूर है। चुनाव में 6 फुट ऊंचे चक्के प्रचार कर रहे थे राकेश गिरी को, ये तो थोड़ी उठ के हम भूल जाए। अबे तो अपने पास इंतजाम है, मैं सोनू जख्मी, चिंता नहीं करो तुम, पुल भी बन